क्या भगवान शिव कैद है मक्का मदीना में? मक्का मदीना से जुड़े रहस्य। सोशल मीडिया पर नए नए पोस्ट के जरिए या मीडिया के जरिए समय समय पर ये दावे किए जाते रहे हैं कि मक्का में बना काबा पहले भगवान शिव का घर था और यहाँ आज भी भगवान शिव कैद हैं, और जब तक कोई हिंदू शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएगा तब तक भगवान शिव यहीं कैद रहेंगे। इसलिए मक्का में बोर्ड भी लगा है, गैर मुस्लिम्स का अंदर आना मना है। लेकिन क्या यह सच है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में जैसे हिंदुओं के चार धर्म की यात्रा की जाती है, वैसे ही मुस्लिम में हज पर जाया जाता है। हर मुस्लिम जीवन में एक बार हज पर जाने की तमन्ना जरूर रखता है ताकि मक्का में स्थित काबा के पूर्व में मौजूद उस काले पत्थर को चूम कर जमजम का पानी पीकर अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग सके और अपने जीवन को साकार कर सके। मक्का मदीना को इस्लाम में जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, लेकिन समय समय पर काबा और मक्का मदीना को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। जैसे ये जगह पहले भगवान शिव की हुआ करती थी, यहाँ शिवलिंग था और मक्का अरब या यहाँ के लोग पहले मूर्ति पूजा किया करते थे और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं तो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। दरअसल कुछ लोगों की माने तो इस्लाम धर्म की नींव इस आधार पर रखी गई कि बाकी सभी धर्मों को ख़त्म कर इस्लाम धर्म को आबाद करो। इस्लाम धर्म की शुरुआत तलवार से हुई थी और कहते हैं कि इसका अंत भी इसी तलवार से होगा। इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले लोग कहते हैं कि इस्लाम दूसरे सभी धर्मों को गैर मानता है, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं बताता, बल्कि दुनिया में मौजूद सभी धर्मों को हटकर सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम नाम का झंडा लहराना चाहता है। इस्लाम कहता है कि रास्ते में आने वाले हर देवी देवता के मंदिर को खंडित करो और वहां मस्जिद मदरसों का निर्माण करो, और अगर कोई रास्ते में आए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या कोई और, उसे मार डालो, और इसके सबूत भी हमें इतिहास के पन्नों में मिल जाते हैं। जैसे 1194 में मोहम्मद गोरी ने काशी विश्वनाथ को पहले लूटा और फिर उसे तोड़वा दिया, और अब इसे दोबारा बनवाया गया तो एक बार फिर जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में इसे तोड़वा दिया। उसके बाद 1632 में शाहजहां ने, फिर 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब के कहने पर ही 2 सितंबर 1669 में मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को भी बनाया गया। औरंगजेब के ही 1660 में मथुरा और कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाने का काम किया गया। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर में भी मुस्लिम शासकों ने 17 बार उसे तोड़वाया और हर बार ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी बलि दी। 1224 में मोहम्मद गजनवी ने 5000 हाथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की और उसे बुरी तरह से खंडित कर दिया, और ऐसा हर बार किया गया। इस तरह तमाम मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद, मदरसे और ईदगाह बनवाए गए। इसलिए दावा किया जाता है कि मक्का में भी महादेव का मंदिर था और आज जहां काबा स्थित है वहां विशाल शिवलिंग हुआ करता था, जो आज भी खंडित अवस्था में वहां मौजूद है। असल इसके तार भी रामायण से जुड़े हुए हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण एक ज्ञानी और सिद्ध पंडित था और वो भगवान शिव का परम भक्त भी था, और अपनी कठोर तपस्या से रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग देते हुए कहा कि इसे लंका में स्थापित करना है, लेकिन किसी भी कारण से यहाँ बीच में मत करना। रावण शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था कि तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उसे शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ा। इसके बाद रावण ने लाख कोशिश की लेकिन उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। ये विशाल शिवलिंग वहीं स्थापित हो गई। वेंकटेशन नाम के पंडित की माने तो ये वहीं जगह थी जहाँ आज सऊदी अरब में मक्का और काबा स्थित है। सिर्फ यही नहीं, रावण ये भी अच्छे से जानता था कि भगवान शिव को माँ गंगा से कभी अलग नहीं किया जा सकता, और आज इसका प्रमाण भी मक्का में मौजूद है। यहाँ काबा के पास एक पवित्र झरना पाया जाता है जिसका पानी इस्लामी धर्म के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र है। कहते हैं कि इसी झरने का पानी जमजम के कुएं में जाता है जिसे मुस्लिम लोग पवित्र मानकर अपने घर लाते हैं। यानी जैसे हिंदू में गंगा में डुबकी लगाकर गंगा का पानी घर लाते हैं, वैसे मुस्लिम भी गंगा को किसी न किसी रूप में सही साफ पाक मानकर अपने पाप धोकर जमजम के पानी के रूप में लाते हैं। इतिहासकारों की माने तो मक्का में काबा की जगह पर मंकेश्वर या मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, और पुराने समय में अरब के लोग भी दूसरी सभ्यताओं की तरह ग्रहों की पूजा करते थे, यानी उनका भी मूर्ति पूजा में विश्वास था। किसी जमाने में यहाँ 360 मूर्तियां होने का जिक्र भी मिलता है। दरअसल ये वो समय था जब बड़ी संख्या में भारतीय यमन में रहा करते थे, जिनके सबूत आज भी हमें हिंद नामक किले के रूप में वहां मौजूद दिखते हैं। लेकिन फिर अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम को एक संदेश भेजा गया कि काबा में मूर्ति पूजा ना हो, सिर्फ अल्लाह की ही पूजा हो। अल्लाह का संदेश मानते हुए पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा की स्थापना की। कहते हैं कि जब यहाँ मुक्तेश्वर मंदिर था तो वहाँ काबा यानी कि मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का
अंदर जाना मना है, लेकिन फिर मुक्तेश्वर मंदिर की जगह काबा को स्थापित किया गया और इस बोर्ड पर यह लिख दिया गया कि गैर मुस्लिम का अंदर आना मना है। यानी काबा में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई या जैन किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति नहीं जा सकते सिवाय मुस्लिम्स के, और इसके पीछे कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद को जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि मुस्लिम धर्म के गुरु पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे सिद्धांत या वैधानिक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो वासना और धर्म के पुजारी थे। पैगंबर मोहम्मद के ही कहने पर यहाँ रहने वाले मूर्ति पूजकों पर हमला किया गया और मुक्तेश्वर की जगह काबा को स्थापित कर उसे काले कपड़े से ढक दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मक्का जो पहले मदीना से अलग हुआ करता था उसे भी पैगंबर मोहम्मद के कहने पर मक्का के साथ ही मर्ज करके देखा जाने लगा। आज भी लोग ज़्यादातर मक्का और मदीने को एक साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन बता दें कि ये सऊदी अरब के दो अलग अलग शहर हैं। मक्का में काबा है, वहीं मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद। खैर, अब हुआ यूं कि पैगंबर के कहने पर मुस्लिम ने मक्का में जहां पहले मूर्ति पूजा को मानने वाले रहते थे उन्हें मिटाकर यहां मौजूद 360 से 359 मूर्तियों को तबाह कर दिया और सिर्फ काला पत्थर जिसे शिवलिंग के रूप में हिंदुओं द्वारा देखा जाता है उसे सुरक्षित रखा, जिसे आज अल हजर अल अस्वद कहा जाता है। इस काले पत्थर को आज भी मुसलमान चूमते हैं और इबादत करते हैं। इसे मुस्लिम में सबसे पवित्र माना जाता है और हज यात्री इस काले पत्थर को हाथ लगाकर शीश झुकाता है। इतना ही नहीं, कई लोग तो मुस्लिम की हज और हिंदुओं की तीर्थ यात्रा में समानता के जरिए भी यहाँ शिवलिंग या भगवान शिव के होने की बात करते हैं। अब जैसे हिंदू यात्री तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, ठीक उसी तरह हज यात्रा पर जाने वाले मुस्लिम्स भी बिना सिला हुआ वस्त्र अपने शरीर पर लपेटते हैं। इस तरह हिंदू गंगा जल के पानी को शुद्ध मानकर उसे अपना शुद्धिकरण कर गंगा के पानी को घर लाते हैं, वैसे ही हज पर जाने वाले यात्री भी जमजम के पानी को पीकर खुद को शुद्ध करके इस पानी को घर लाते हैं और इसे भी गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। इन सभी दावों के बिहाव पर कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव काबा में कैद हैं और उन्हें आज़ाद करने के लिए किसी हिंदू को जाना होगा और वहाँ मौजूद शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भगवान शिव वहाँ से आज़ाद नहीं होंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, ना हम ना आप। इन सबसे हटके सच पूछे तो धर्म में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया जाता है और वो है इंसानियत, इसलिए इंसानियत से बड़ी आस्था कोई और नहीं होनी चाहिए। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या आपके हिसाब से काबा में मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।